देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के पार होने पर पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई तो क्या पेट्रोल पंप पेट्रोल और डीजल अभी की तरह ही दे पाएंगे। यह सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि मौजूदा समय में पेट्रोल पंप पर जिन मशीनों से पेट्रोल और डीजल भरा जाता है उसमें 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम वो होता है जिसमें कितने रुपए का पेट्रोल डीजल डलना है वो दिखाया जाता है। दूसरा कॉलम कितने लीटर पेट्रोल या डीजल गाड़ी में डाला जा रहा है वो दिखाया जाता है। और तीसरा कॉलम होता है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट लिखे होते हैं। यहाँ पर सवाल पहले 2 कॉलम को लेकर नहीं है, सवाल तीसरे कॉलम को लेकर है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के रेट लिखे होते हैं। जानकारों से बात करने के बाद पता चला है कि जहाँ पर पेट्रोल डीजल के रेट लिखे होते हैं वहाँ पर मशीन में सिर्फ 4 डिजिट ही डाली जा सकती। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 85 रुपये 50 पैसे है तो 8550 मशीन पर अंकित होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 4 अंक। लेकिन अगर पेट्रोल या डीजल की कीमत 100 रुपये के पार हो गई तो फिर वहाँ पर 5 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर पेट्रोल या डीजल की कीमत 100 रुपये 10 पैसे हो गई तो फिर मशीन को 10010 यानी 5 अंक का आंकड़ा देना पड़ेगा, जिसके लिए फ़िलहाल मौजूदा मशीन उपयुक्त नहीं है। पेट्रोलियम एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस तरह की परेशानी सामने जरूर आ सकती है, लेकिन उसका कुछ न कुछ वैकल्पिक इंतजाम भी हो सकता है, क्योंकि रेट के बारे में जानकारी देना ग्राहकों को ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मशीन से तेल ही नहीं निकलेगा। मशीन में जब एक बार रेट की जानकारी डाली जाएगी तो मशीन उसी हिसाब से काम करेगी। ग्राहकों को जो जानकारी मशीन पर देखकर मिल जाती है वहाँ पर कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, तब तक के लिए जब तक मशीन नए रेट को यानी 5 अंक वाले रेट को स्वीकार न कर ले। हालांकि पेट्रोलियम एसोसिएशन यह जरूर मान रहा है कि फिलहाल जो मौजूदा मशीन है उनमें 4 अंक तक की जानकारी दी जा सकती है, यानी अधिकतम 99.99 रुपये तक की जानकारी और उससे ज़्यादा की जानकारी तभी मशीन में डाली जा सकती है जब उसमें तकनीकी बदलाव हो।